बहुत सारे गेट एस्पिरेंट्स को गेट एग्जाम लिखने के कुछ फायदे पता है। जैसे सर हम गेट एग्जाम में अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पीएससी नौकरी कर सकते हैं, या आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में एमई एमटेक कर सकते हैं, या मास्टर्स पीएचडी या रिसर्च कर सकते हैं, ऐसे कुछ बेनिफिट्स उन्हें पता है। बट इस वीडियो में मैं आपको 5 हिडन बेनिफिट्स बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और क्यों लिखना चाहिए गेट एग्जाम सभी इंजीनियर्स को, वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो क्या गेट एग्जाम लिखने का कोई फायदा है? फायदा है इन टू कंपनीज। अगर डीआरडीओ में या सीएसआईआर नेट की कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो तो अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ये आपके लिए बेनिफिट होता है। और अगर आपने गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो उसी पोजिशन पर सैलरी कम मिलती है। दूसरी बात, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वही सिमिलर सिलेबस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन बीआरसी एग्जाम। और बीआरसी एग्जाम लिखने के भी 2 बेनिफिट है। अगर आपको मास्टर्स करना है तो इंटरनल मास्टर्स होता है, और अगर आपको डायरेक्ट जॉब करना है तो डायरेक्ट जॉब भी होता है। अब बीआरसी का खुद का भी एग्जाम होता है, या फिर अगर आपको गेट के स्कोर के थ्रू अप्लाई करना है वैसे भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर दोनों से अप्लाई करना है, सर गेट के स्कोर से भी अप्लाई करें, उनका एग्जाम लिख करके भी अप्लाई करें, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। बट सिलेबस सिमिलर होता है तो ये आपका बेनिफिट है, एक और अटेम्प्ट आपको मिल जाता है, एक और मौका आपको मिल जाता है, ठीक है। तीसरी बात, अगर मान लेते हैं गेट अच्छा नहीं गया तो क्या करे? गेट अच्छा नहीं गया कोई बात नहीं, अदर पीएसयू अपना खुद का एग्जाम निकालती है। जैसे कौन सी पीएसयू सर जी? एचपीसीएल, एचएएल, एएआई, ऐसे और पीएसयू है जो अपने खुद के एग्जाम निकालती है, और वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री है, रिस्पेक्टिव ब्रांच है, अपर एज लिमिट अगर सब सेट होता है, यू कैन गेट दी जॉब। और अच्छी सीडीसी भी मिलती है, मैंने श्रेणी जैन जॉब अपडेट्स चैनल पर काफी वीडियोस बनाए हैं, आप सर्च कर सकते हो। और वही नहीं, अगर आप स्टेट एग्जाम्स लिखना चाहते हो आप तब भी लिख सकते हो, और स्टेट एग्जाम्स में भी सिलेबस सिमिलर ही रहता है, थोड़ा सा आपको और पढ़ना पड़ता है बट ओवरलैप आपका सिलेबस रहता है। जैसे DSSSB, UPPCL की अच्छी वैकेंसी निकलती है, और भी ऐसे स्टेट एग्जाम्स है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन कौन से एग्जाम्स और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप गेट एग्जाम लिखते हो तो कोई भी ईयर में अगर आप लिखते हो ना तो वो ईयर तक सीमित नहीं रहता गेट का स्कोर, वो 3 साल तक चलता है। अगर आप एनपीसीआई की नौकरी करना चाहते हो, पीएसयू कंपनी है, वो 3 साल का गेट का स्कोर कंसिडर करती है। जैसे हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन निकाली थी तो 2023, 2022, 2021 तीनों गेट स्कोर वैलिड है, ठीक है। अदर पीएसयू वैलिड नहीं रखते, सिर्फ रिस्पेक्टिव ईयर का ही वैलिड रखते हैं। जैसे 2023 का जो भी अगर आपका स्कोर होगा तो उस बेसिस पर ही ONGC, गेल, पावर ग्रिड, ये सारी कंपनीज और भी ऐसे पीएसयू है, वो रिस्पेक्टिव ईयर का ही मांगेगी, ठीक है। वैसे अगर आपको एमईएमटेक करना है, मास्टर रिसर्च करना है, 3 साल का स्कोर चल जाता है, तो मन में अगर कहीं डाउट है यार फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, या फिर अभी नहीं बाद में, या फिर पता नहीं इंटरेस्ट है या नहीं, तो 3 साल तक आप वेट कर सकते हो टिल यू टेक द डिसीजन, ठीक है। और फाइनली फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टीचिंग में आना है, अगर आपको प्रोफेसर बनना है, या अगर आपको पढ़ाने में मजा आता है, यू हैव वेरियस ऑप्शंस। आजकल ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो एज अ टीचर, या फिर अगर आपके रैंक थोड़े से कम है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कंटेंट राइटर से स्टार्ट करो, तो कंटेंट राइटर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में अपॉर्चुनिटी मिलती है। YouTube पर पढ़ाना स्टार्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई डिग्री भी नहीं लगती है, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो वेदर स्टूडेंट्स लाइक योर टीचिंग और नॉट। और फाइनली सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, लोअर स्टैंडर्ड्स के बच्चों को पढ़ा सकते हो, या फिर इंजीनियर्स, या फिर गेट की साइमल्टेनियस कोचिंग आप सेल्फ एम्प्लॉयड के बेसिस पर भी कर सकते हो, फ्रीलांस के बेसिस पर भी है, या फिर आप खुद से कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है 5वां बात आपको समझ में आ गई। एक बार वापस से बता देता हूं, CSIR नेट DRDO में आपकी सैलरी बढ़ जाती है गेट एग्जाम गेट स्कोर के बेनिफिट से। सेकेंड, BRC का भी एग्जाम होता है जिससे आपको और अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया तब। तीसरा, PSU एंड अदर स्टेट एग्जाम्स होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। चौथा, 3 साल तक ही गेट स्कोर वैलिड होता है तो ये आपके लिए बेनिफिट है। पांचवा, टीचर आप बन सकते हो और सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करूंगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और आपको मोटिवेशन मिला होगा टू राइट द गेट 2023। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू।